हेलो फ्रेंड्स, आज हम आपके लिए लेकर आए हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस। इसके माध्यम से आप अंग्रेजी बोलना लिखना सीख जाएंगी। तो चलिए शुरू करते हैं। एक दर्जन अंडे दीजिए, एक दर्जन अंडे दीजिए, इसकी इंग्लिश क्या होगी? अ डजन एग प्लीज, अ डजन एग्स प्लीज। छुट्टे दीजिए, छुट्टे मतलब चेंज, पैसे के जो छुट्टे होते हैं, जैसे 1 रुपए के कुछ पैसे छुट्टे हो गए, 50-50 हो गए, या पहले तो 25-50 और 1 रुपी था, ठीक है? तो इस तरह से 1 रुपए, 2 रुपए के 1-1 रुपए हो गए, इस तरह से छुट्टे दीजिए, ठीक है? या 100 रुपए के छुट्टे चाहिए, या 50 रुपए के छुट्टे चाहिए, 200 रुपए के छुट्टे चाहिए, तो इसको कहते हैं चेंज, ठीक है? तो इसको क्या आएगा बताइए? मैंने बताया कि छुट्टे दीजिए, चेंज प्लीज, चेंज प्लीज। नेक्स्ट है रसीद दीजिए, रसीद दीजिए, रिसिप्ट प्लीज, रिसिप्ट प्लीज। नेक्स्ट है बिल दीजिए, बिल दीजिए, बिल प्लीज, बिल प्लीज। नेक्स्ट है खिड़की वाली सीट दीजिए, खिड़की वाली सीट दीजिए, विंडो सीट प्लीज, विंडो सीट प्लीज। इस तरह से आप छोटे छोटे सेंटेंसेस बना सकते हैं और भी। तो नेक्स्ट हम सेंटेंसेस देखेंगे। पेंसिल है तुम्हारे पास? अब हम जो 5 सेंटेंसेस लेंगे वो हैं, पेंसिल है तुम्हारे पास, तो तुम्हारे पास, तुम्हारे पास आएंगे 5 सेंटेंस में ऐसे ही आएगा। चाकू है तुम्हारे पास, घड़ी है तुम्हारे पास, लाइटर है तुम्हारे पास, स्टेपलर है तुम्हारे पास, ठीक है? तो देखिए, पेंसिल है तुम्हारे पास, गोटा पेंसिल। चाकू है तुम्हारे पास, बताइए इसका क्या आएगा? गोटा नाइफ, गोटा नाइफ। इसी तरह से आप और भी सेंटेंसेस बना सकते हैं। घड़ी है तुम्हारे पास, गोटा वॉच, गोटा वॉच। लाइटर है तुम्हारे पास, गोटा लाइटर, गोटा लाइटर। नेक्स्ट है स्टेपलर है तुम्हारे पास, गोटा स्टेपलर, गोटा स्टेपलर। बाहर जा रहे हो, गोइंग आउट, बाहर जा रहे हो, गोइंग आउट। जिम जा रहे हो, जिम जा रहे हो, बताइए क्या आएगा इसका? गोइंग टू द जिम, गोइंग टू द जिम। नेक्स्ट है हमारे पास में बाजार जा रहे हो, गोइंग टू मार्केट, गोइंग टू मार्केट। ऑफिस जा रहे हो, गोइंग टू ऑफिस, गोइंग टू ऑफिस। शॉपिंग के लिए जा रहे हो, गोइंग शॉपिंग, गोइंग शॉपिंग। इसमें ज़्यादा ग्रामर की जरूरत नहीं है इसमें, ठीक है? आसानी से आप सीख सकते हैं छोटे छोटे सेंटेंसेस। अब हम स्टार्टिंग से सिखा रहे हैं, तो अगर आप इसमें सीखना चाहते हैं इंग्लिश, तो मेरे चैनल को खोड़ा अकेडमी को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर किया करें गाइस, इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को लाइक और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट है कुछ सोच रहे हो, कुछ सोच रहे हो, थिंकिंग समथिंग, थिंकिंग समथिंग। कुछ कर रहे हो, कुछ कर रहे हो, डूइंग समथिंग, डूइंग समथिंग। कुछ लिख रहे हो, कुछ लिख रहे हो, राइटिंग समथिंग, राइटिंग समथिंग। कुछ पढ़ रहे हो, कुछ पढ़ रहे हो, रीडिंग समथिंग, रीडिंग समथिंग। कुछ कह रहे हो, कुछ कह रहे हो, सेइंग समथिंग, सेइंग समथिंग। नेक्स्ट अगर हम देखें तो नेक्स्ट हमारे पास है नहीं समझ आ रहा है, कांट अंडरस्टैंड, कांट अंडरस्टैंड। नींद नहीं आ रही है, कांट क्या आएगा इसमें? कांट स्लीप, कांट स्लीप। खड़े रहने नहीं आ रहा है, क्या आएगा इसमें? कांट स्टैंड अप, कांट स्टैंड अप। चलने नहीं आ रहा है, कांट वॉक, कांट वॉक। झुकने नहीं आ रहा है, कांट बेंड ओवर, कांट बेंड ओवर। नेक्स्ट हमारे पास में है लेकिन क्यों, लेकिन क्यों। बट व्हाई, बट व्हाई। लेकिन कौन, लेकिन कौन। बट हु, बट हु। लेकिन कैसे, लेकिन कैसे। बट हाउ, बट हाउ। नेक्स्ट है हमारे पास में लेकिन कब, लेकिन कब। बट व्हेन, बट व्हेन। बहुत ही ईजी सेंटेंसेस हैं, इनके माध्यम से आप इंग्लिश बोलना लिखना सीख जाएंगे। लेकिन कहाँ, लेकिन कहाँ। बट व्हेयर, बट व्हेयर। लेकिन के लिए क्या आया यहाँ पर? बट आया। लेकिन के लिए यहाँ पर सभी में बट आया है। बाकी के जो सेंटेंस हैं, क्यों, क्यों, कौन, कैसे, कब, कहाँ, इनके लिए अलग अलग हमने वर्ड लगाए हैं। वो हैं जैसे वाई है, क्यों के लिए, हु है, कौन के लिए, हाउ है, कैसे के लिए, व्हेन है, कब के लिए, और वेयर है, कहाँ के लिए, ठीक है? इस तरह से आप इजीली सेंटेंसेस बना सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास में है फिर क्या, फिर क्या। देन व्हाट, देन व्हाट। फिर कब, फिर कब। देन व्हेन, देन व्हेन। और फिर कहाँ, फिर कहाँ के लिए क्या आएगा? देन व्हेयर, देन व्हेयर। फिर कौन, देन हु, देन हु। फिर कैसे, देन हाउ, देन हाउ, ठीक है?
अब हम नेक्स्ट पर चलते हैं, तुम्हारा नाम। अब सब में तुम्हारा तुम्हारा आएगा तो योवर तो सब में लगेगा ही। तुम्हारा नाम योवर नेम, तुम्हारा पता योर एड्रेस, तुम्हारा मोबाइल नंबर योर मोबाइल नंबर, तुम्हारा ई मेल एड्रेस योर ई मेल एड्रेस, तुम्हारा व्यवसाय योर ऑक्यूपेशन नेक्स्ट हम बात करते हैं, कोई आइडिया नहीं नो आइडिया, कोई आइडिया नहीं नो आइडिया, कोई खतरा नहीं नो रिस्क नो रिस्क, कोई फायदा नहीं नो यूज नो यूज, कोई मुश्किल नहीं नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम, कोई इंटरेस्ट नहीं नो इंटरेस्ट नो इंटरेस्ट। नेक्स्ट हम बात करें, कोई संभावना है एनी पॉसिबिलिटी, कोई खबर है एनी न्यूज़। अब सब में कोई कोई लगेगा तो एनी लग जाएगा, ठीक है। एनी न्यूज़, कोई अनुभव है एनी एक्सपीरियंस, कोई मुश्किल है एनी प्रॉब्लम, कोई अपेक्षा है एनी एक्सपेक्टेशन। खेलना चाहते हो, अब देखिए नेक्स्ट हमारा है, खेलना चाहते हो, खाना चाहते हो, आना चाहते हो, जाना चाहते हो, पढ़ना चाहते हो, इस तरह के सेंटेंसेस हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। अब इसमें है चाहते हो वॉन्ट टू, ठीक है, इसमें आएगा वॉन्ट टू, तो आराम से आप बना सकते हैं। खेलना खेलना, खाना आना जाना, पढ़ना की इंग्लिश बनाएंगे, बाकी वॉन्ट टू लग जाएगा। तो खेलना चाहते हो वॉन्ट टू प्ले, वॉन्ट टू प्ले, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, खाना चाहते हो वॉन्ट टू ईट, वॉन्ट टू ईट। आना चाहते हो वॉन्ट टू कम, वॉन्ट टू कम। नेक्स्ट है जाना चाहते हो वॉन्ट टू गो, वॉन्ट टू गो। नेक्स्ट हमारा है पढ़ना चाहते हो वॉन्ट टू रीड, वॉन्ट टू रीड। अब हम नेक्स्ट देखेंगे, कुछ सहायता चाहिए, कुछ चाहिए, पैसे चाहिए, लिफ्ट चाहिए, नमक चाहिए, इस तरह के सेंटेंसेस आप बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे। इसमें नीड लगेगा सब में, ठीक है, इसमें क्या लगेगा, नीड लगेगा सब में। कुछ सहायता चाहिए, कुछ सहायता चाहिए, नीड एनी हेल्प, नीड एनी हेल्प। कुछ चाहिए, कुछ चाहिए, नीड, इसमें क्या बताइए क्या आएगा इसमें। मैंने बताया कि नीड नीड सब में लगेगा, तो नीड समथिंग। पैसे चाहिए, पैसे चाहिए, नीड मनी। लिफ्ट चाहिए, लिफ्ट चाहिए, नीड अ लिफ्ट। नमक चाहिए, नीड सम साल्ट, नीड सम साल्ट, ठीक है। अब हम और सेंटेंसेस देखेंगे, इसमें छोटे छोटे सेंटेंसेस देखेंगे जो बहुत ही आसान हैं। थोड़ा कॉफ़ी सम कॉफ़ी, थोड़ा कॉफ़ी सम कॉफ़ी, थोड़ी चाय सम क्या आएगा इसमें, सम टी, सम सब में लगेगा सम टी। थोड़ा दूध सम मिल्क, थोड़ा टोस्ट इसमें क्या आएगा, सम टोस्ट। थोड़ा पानी इसमें क्या आएगा, सम वाटर। और कॉफी मोर कॉफी, अब इसमें सब में मोर लगेगा, ठीक है। और चाय मोर, इसमें क्या आएगा, मोर चाय के लिए टी, मोर टी। और दूध मोर मिल्क। और मोर टोस्ट। और पानी इसके लिए क्या लगेगा, मोर वाटर, ठीक है। तो इस तरह के सेंटेंसेस आप इजीली बना सकते हैं। देखिए इस तरह के छोटे छोटे सेंटेंसेस आप और भी बना सकते हैं इनको देख करके, और डे टू डे लाइफ में आप इनको यूज करिए, अपने घर में डेली इनको यूज करिए, जिससे आपकी इंग्लिश इंप्रूव होगी। स्पोकन इंग्लिश की ऐसी वीडियो और देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, और लिखा है उसको भी प्रेस कर दीजिए। जितना आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे उतना हमें मोटिवेशन मिलता है, ठीक है। हम आपके लिए और वीडियो लेकर आएंगे और जल्दी जल्दी वीडियो डाला करूंगी मैं, अगर आप सब्सक्राइब करेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे तो, ठीक है। और 6th 7th 8th की इंग्लिश और इंग्लिश में SS जो है वो मेरे चैनल पर अवेलेबल है, और मैंने क्वेश्चन आंसर भी डाल रखे हैं इंग्लिश और SS के, वो भी आप देख सकते हैं, ठीक है। और अगर आपको मैथ की वीडियो चाहिए, SST की वीडियो चाहिए, तो आप कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।